ठीक है, तो साइट मैप दो तरीके से बनता है। एक तो मैं आपको दिखा देता हूं यूजर फ्लो डायग्राम। इस तरीके से एक डायग्राम बनाई जाती है, ठीक है। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। एक ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें आप स्टिकी नोट्स के साथ भी अच्छा काम कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स को लेके अपने सारे जो एजेंडा है उनको लिख लें। अब इसके लिए एक ट्री बनाना बहुत जरूरी है, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं ट्री बनाता हूं आपके लिए, वो आसान रहेगा।
भाई अगर आप गौर से देखें, मैंने अवेयरनेस पे वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड की, ये सारे पोस्ट बनेंगे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अवेयरनेस के अंदर जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस के अंदर मैंने इन्फो टाइप, अब ये जो वर्डिंग मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, आप लोग जब साइट मैप करेंगे आपकी मर्जी है जरा लॉन्ग लिखें या आपको समझ आ जाएगा कि यार ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इन्फो टाइप मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इन्फो टाइप का मेरा जो मतलब ये था कि इन्फॉर्मेशन देना कि हु इज पढ़े लिखो डॉट कॉम, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना, दैट्स इट। अवेयरनेस हम क्या करते हैं, अपने बारे में बता रहे हो। अच्छा, दूसरा ओवरऑल आईटी कोर्स के बारे में बताएंगे। अब कंटेंट को प्लान नहीं कर रहा, सिर्फ अपने जहन में डालूं कि एक ओवरऑल आईटी कोर्सेज का एक पोस्ट बनना चाहिए अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड क्या होगा, डू यू वॉन्ट टू लर्न हाई डिमांड स्किल ओनली फॉर 999 रुपीज, 1000 रुपए में। ये एक इंगेजमेंट पोस्ट भी है, अवेयरनेस पोस्ट भी है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वाई पढ़े लिखो डॉट कॉम, मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, बट पढ़े लिखो को क्यों करना है, तो उसके नीचे क्या कर देंगे, बेनिफिट्स ऐड कर देंगे। ये भी अवेयरनेस में ही आता है, आप अपनी बात कर रहे हैं तो वहां हम क्या लिखेंगे नीचे बेनिफिट्स में, कोई बताया जरा, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। और ये आइडियाज आपको कहां से मिल रहे हैं, पेन पॉइंट्स है। आप समझे, अब समझ आ रहा है वाई पेन पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पेन पॉइंट से आपको चीजें मिल रही हैं कि यार क्यों पढ़े लिखो को क्यों यूज करो भाई, कोर्सेरा है, उडीमाई है, दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कराची में है, वाई पढ़े लिखो डॉट कॉम। तो आप बोलेंगे भाई अपने स्पीड से आप पढ़ सकते हैं, आप अगर बिजी हैं तो आप अपने लिहाज से पढ़ सकते हैं, 99 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए में कौन पढ़ता है भाई, कौन पढ़ा रहा है 1000 रुपए में, ठीक है। ट्यूशन वाली बाजी भी 2500 रुपए लेती है, यहां से कौन पढ़ा रही है, पढ़ाती थी कोई नहीं, कितने फीस ले देती, कम ले रही हो। अच्छा, उसके बाद ऑफर्स की भी अवेयरनेस होती है, एक तरीके से ऑफर भी हम दे सकते हैं, ग्रैब हाई डिमांड स्किल्स इन ओनली 1999 रुपीस, ठीक है। अच्छा, नीचे आए इन्फो, एक और इंफॉर्मेशन है, फील्ड एक्सपीरियंस टीचर ओनली इन 1999। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारा कैंपेन कॉन्सेप्ट क्या है, लो प्राइस को दिखाना है, तो हम जो मंजन सेल कर रहे हैं, जो हमारी स्टोरी है, जो हमारा मैसेजिंग है, वो क्या है, लो प्राइस हर जगह, ठीक है। तो ये हमने यहां पे मंजन सेल करना, तो ये अवेयरनेस का साइड मैप है, अगर मैं चाहूं तो और भी बड़ा हो सकता है, मगर ऐसा ना हो क्लाइंट ने आपको दिए 25,000 रुपए, आप उसको 100 पोस्ट बना के दे रहे हैं, बजट को देख के, टाइम को देख के आपने इन चीजों को फाइनलाइज करना। हाँ, अगर वो अच्छा खासा दे रहा है $500 के भी कैंपेन पूरा डिजाइन करना है, तो फिर तब आप अच्छे लेवल का काम करके देंगे, क्लियर है, डन है। तो ये हमारे पास अवेयरनेस का हो गया, अब एंगेजमेंट का बनाते हैं, इसकी पिक्चर ले लें इन केस अगर आगे से कोई बंदा ले ताकि साफ पिक्चर आए, पीछे वाले बेचारे जूम जूम कर करके कर करके कर करके कर करके, जल्दी कर लो।
को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहां पे हम डायरेक्टली किसकी बात करेंगे, बेचने की बात करेंगे, एनरोल योरसेल्फ, गेट योर कोर्स, कोर्स सेक्शन पे जान देंगे, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं आपको फेसबुक, अभी आपने गौर किया एड लाइब्रेरीज के अंदर लंबे पोस्ट भी आपको दिख रहे थे। एक न्यूज चीज पढ़ने जा रहे हैं आप, कैंपेन्स के अंदर दो तरीके के पोस्ट ज्यादा यूज होते हैं, एक टर्निटी बाय टर्निटी और एक लंबे वाले पोस्ट। लंबे वाले पोस्ट एड्स में बहुत ज्यादा फेवरेट माने जाते हैं, क्यों, कौन बताएगा, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। किस्म के एस्पेक्ट रश होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे वीडियो में, बट सुन लें। एक होता है 1920x1080, ये YouTube का होता है, वाइड होता है, कितना होता है वाइड, तो वो शायद यहां से लेकर यहां तक आ रहा होगा, पूरे फोन को वो कैप्चर नहीं करता, बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों, आपका एड चल रहा है नीचे भी कंटेंट आ रहा है, यूजर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ये हो गया 1920x1080, ठीक है। एक होता है 1080x1080 जो अभी आप लोग बना रहे हैं, वो अगर आप देखें थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का होता है, ऑलमोस्ट पूरे पेज को ग्रैब कर देता है, ऊपर आपके इन्फो आ जाए पूरा पेज ग्रैब कर देता है, तो उसमें ज्यादा चांस है कि वो आपके एड को देखे पहले फिर स्क्रॉल करें। एक होता है पूरा रील टाइप का, वो सबसे बेहतरीन है, कोई और कॉन्टेंट आ ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं अभी भूल गया था, अवेयरनेस के अंदर भी कुछ पोस्ट आपने बनाने उस टाइप के, कुछ पोस्ट आपने इस टाइप के बनाने, और अगर बजट ज्यादा है तो उसी पोस्ट को उसी साइज के अंदर भी बनाया जाता है। तो फेसबुक क्या करता है, दोनों को रन कर देता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप लोग सेम ना बनाए, मतलब तीन आप लोग बना रहे 1080 में, तो तीन को आप लंबा वाला कर, अभी ये चैट जीपीटी में बता देगा साइजेस के कौन कौन से साइज ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने बता दिए, एक स्क्वायर है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप है। लैंडस्केप ज्यादा लाइक नहीं किया जाता, मैंने कहा कि उससे जो अटेंशन है, जो रिटेंशन रेट है वो गिर जाता है, क्योंकि उससे नीचे भी आपके पास ऑलमोस्ट दो कंटेंट और आते हैं। अब इसमें ये भी है कि मेरा तो फोन बहुत छोटा है, फोन टू फोन वेरी भी करता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास वही है जो अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है, ये मेटा खुद रिकमेंड करता है, इसलिए हम सारे पोस्ट इसी में बना रहे हैं, ठीक है। मगर इसको अगर देखा जाए तो ये मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज को देखा है वो यूज करते हैं, स्पेशली डोमेस्टिका बहुत ज्यादा यूज करता है। मैंने जब से डोमेस्टिका से तीन कोर्सेस बाय किए हैं तब से उनके एड आज तक बंद ही नहीं हुए हैं, मेरे पास डेली आते हैं, ठीक है। तो ये वो अक्सर थोड़े से पोर्ट्रेट वे में साजिश को यूज करते हैं, कि जरा पिक्चर ले लें या लिख ले अपने पास। एक बंदा ले ले, एक गर्ल से एक बॉय से, ग्रुप में अभी अभी सेंड कर दो ताकि सबके पास आ जाए। एक गर्ल एक बॉय सारे निकाल रहे हैं, लिख लो पिक्चर आ गया ना, लिख लो, ये काम आएंगे आप लोगों को आगे।
ठीक है। अब क्या कैंपेन में सिर्फ पोस्ट बनाई जाती हैं? स्टोरीज का भी तो बहुत बड़ा गेम है आजकल। जब आप फेसबुक में, सॉरी फेसबुक या इंस्टाग्राम में जब स्टोरीज देखते हैं दोस्तों की, बीच में ऐड आते नहीं आते, ऐड आते नहीं आते हैं, तो स्टोरीज भी बनानी है आप, तो स्टोरीज का भी लिख लें। ये रहा, ये क्या है कि ये 1920 को 1080 को बिल्कुल उल्टा कर दो तो वो रील फॉर्म में बन जाता है स्टोरी का। तो स्टोरी का क्या है, 1080 बाय 1920 लिख लो। तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक स्क्वायर पोर्ट्रेट और तीसरा वर्टिकल। आपने अपने कैंपेन्स के अंदर डिसाइड करना है कि कितने वर्टिकल होंगे, वर्टिकल मीन स्टोरी में जो लगेंगे प्रॉपर, कितने पोर्ट्रेट होंगे जो एड्स होंगे बट थोड़े से लंबे वाले होंगे, और कितने स्क्वायर होंगे मीन जो रिकमेंडेड है। ट्राई करें कि 70 या 65% रिकमेंडेड हो, स्क्वायर शेप में हो, उनमें जो बाकी बचे हैं आधे आपने स्टोरी करने और आधे आपने पोर्ट्रेट करने हैं। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। क्या है? तुम्हें कुछ भी आवाज नहीं आई? क्या कर रही थी भाई? देखिए मैंने कहा कि ट्राई करें, अभी मैंने आपको तीन साइज बताए, ठीक है। एक मोस्ट रिकमेंडेड स्क्वायर जो अब तक हम बना रहे हैं 1080 बाय 1080, क्लियर है यहां तक? उसके बाद मैंने कहा ना कुछ इंडस्ट्रीज पोर्ट्रेट बनाते हैं ताकि एड का जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाए। तो वो क्या है हमारे पास पोर्ट्रेट, ये रहा 1080 बाय 1350। मुश्किल हो रहा था, 1350, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट हो गया, सही है। और तीसरा क्या है, वर्टिकल, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। वो क्या है 1080 बाय 1920, तीन साइज़ है। अब सवाल ये पैदा होना चाहिए जो कि आप नहीं करेंगे कि सर कितने कितने बनाने चाहिए। सबसे ज्यादा पोस्ट आपके बनने चाहिए स्क्वायर जो रिकमेंडेड है 65 या 70, मीन अगर 25 पोस्ट है तो 25 में से 15 कर दें स्क्वायर, बाकी 5-5 पोर्ट्रेट और वर्टिकल, डन है, सही है, व्हाट द पॉइंट और नॉट। अच्छा अब सना के जहन में सवाल आएगा, सर ये बनाएंगे कैसे, ये तो शायद ही चेंज हो गया। देखिए हायरार्की का रूल सेम है, स्पेस का रूल सेम है, कलर्स का रूल सेम है, इसीलिए बीएमजे आपको डिजाइनर बनाती है। दुनिया का कोई भी साइज आपके सामने आ जाए, रूल्स विल नेवर चेंज, कंटेंट विल नेवर चेंज। तो साइज जितने भी चेंज हो रहे हैं, काम आपको उसी लेवल का ही करना है, कॉल टू एक्शन उसी लेवल का बनाना है, क्लियर है, कंटेंट उसी लेवल का बनाना है, कलर्स उसी लेवल के बनाना है, ठीक है। तो साइज से घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ये वो घबराए जिनको डायरेक्टली बस कॉपी पेस्ट, भाई ये बनाओ चलो शुरू हो जाओ बैठो 3 घंटे गए। आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई गई, आपको प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल का काम सिखाया गया, ठीक है। मैं बना के दिखाऊंगा, अभी एक स्टोरी भी दिखाऊंगा, एक पोर्ट्रेट भी बना के दिखाऊंगा, 10-5 पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, अब जरा जल्दी 60 मिनट बनाते हैं एंगेजमेंट का। फिर आगे सोचेंगे कि ऑफर कैसे लगाएं या
पढ़े लिखो जो .com पीके हैं वो जो बिल्कुल गरीब तबका है उनके लिए फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल ही अकेले हैं, ऑर्फन हैं, यतीम बच्चे, उनका कोई नहीं है, आगे पीछे बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल एड क्या होता है, कौन बताएगा? स्कॉलरशिप्स होते हैं, वजीफा, बिल्कुल फ्री. पर उसके लिए बहुत लंबा, हमारे पास यूनी में है एहसास जो प्रोग्राम है, नाम सुना होगा आप सबने, इतनी मेहनत की मैंने यार, यकीन करें 35 डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म था, वो लगे रहे फिल किया. दे दिया, उसके बाद पता चला कि हमारा तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता. जो बाहर से बच्चे आए बेचारे इंटीरियर सिंह से, ठीक है, और उनका एक्सेप्ट हो रहा था, जो कराची के थे उनका इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया, नहीं हुआ, ठीक है. तो इन अच्छा फिर इंटरव्यूज भी होते हैं, इंटरव्यू में आपका फोन भी चेक करते हैं, सुना आईफोन यूज कर रहे हैं और फाइनेंशियल एड चाहिए, ठीक है. तो फाइनेंशियल एड ऐसे नहीं मिलता, इंटरव्यूज होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स को बोला, फिर आपके घर को जाके चेक किया जाता, ठीक है. जिस तरह नहीं बैंक से आप बाइक निकालते हैं, घर भी आता है, ऑफिस भी आता है, हर जगह चेक करता है कि ये इंस्टॉलमेंट दे पाएगा नहीं, गरीब तो नहीं है ये, ठीक है. तो इसी तरीके से फाइनेंशियल एड्स में वो देखते हैं कि वाकई अमीर तो नहीं है, सही है. तो फाइनेंशियल एड के हम दे रहे हैं पढ़े लिखो .pk.com, ठीक है. और इस तरीके से कुछ ऑफर्स और भी होते हैं, मल्टीपल ऑफर्स. अब ऑफर्स क्या होते हैं, समटाइम आपके क्लाइंट को ऑफर का नहीं पता होता, तो आप उनको गाइड करते हैं, ठीक है. अब देखिए बिजनेस स्किल्स आपको आने चाहिए. अब जब मेरा भाई सेल कर रहा था टी शर्ट का, पैक ऑफ टू बनाया था हमने, क्या बनाया था, दिखने में कस्टमर को फायदा दिख रहा था, मगर हमें ट्रिपल फायदा हो रहा था उससे. ये होता है अकाउंटिंग. सिंगल टी शर्ट बिक रहा था हमें, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, पैक ऑफ टू में डबल ट्रिपल प्रॉफिट है. तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, उसके लिए भी विन है, हमारे लिए भी विन है. तो ऑफर्स आगे क्लाइंट आपके पास आएंगे, आप उनको बोलें ऑफर्स बनाए. ऑफर्स से बहुत ज्यादा लोग वो होते हैं, क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. मैं खुद स्पेशली जहां कोई प्राइस यू क्रॉस है मैं रुक जाता हूँ, ऑफर क्या है, मैं खुद रुक जाता हूँ. और स्पेशली ये जो कार्टिस वाला एक जो ऑफर ना जिस डिस्काउंट लगाया जाता है ना, इट्स रियली एंगेजिंग, बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, ठीक है. अच्छा, एड लाइब्रेरी के अंदर एक और चीज बनाई जाती है, एक और चीज, नई चीज आप सीख रहे हैं, कैरोसेल पोस्ट. नाम सुना है इसका पहले कभी, कैरोसेल पोस्ट का नाम सुना है? कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल,
उनको बोलते हैं कैरोसेल पोस्ट। तो हमारे इस एड में ये जो कोर्सेस का है ना, इनको हम एड के अंदर एज अ कैरोसेल भी एड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इसे आपके जहन में होना चाहिए ताकि कल क्लाइंट बोले कि भाई इस कैंपेन में एक कैरोसेल पोस्ट होगा हमारे प्रोडक्ट का, अब आप परेशान होइए क्या है। कैरोसेल का मतलब है कि एक ही एड में अपलोड किए जाएंगे मगर वो स्क्रॉल होगा। इसकी मिसाल ऐसी कि आपने अपने टाइमलाइन में 10 पिक्चर्स ऐड कर दिए एक साथ, तो वो स्क्रॉल होंगे, अलग अलग ऐड नहीं किए, ठीक है? इसकी मिसाल सिंपल ऐसे है, ठीक है? और कुछ स्टोरी भी बनाई जाती है। अगर मैं आपको बीएमजे के पुराने पोस्ट देखूं, जब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर था तो मैं यहाँ पे कैरोसेल पोस्ट बनाना था, वो आपको बहुत हेल्प होंगी। सबर के लाइक्स हो गए, वाह। जब मैं आया था बता कितने लाइक्स थे, 1500। सबके पिक्चर्स आ रहे होंगे यहाँ, ये देखो बेचारा पता नहीं कौन है, बेचारा परेशान है, ये पैसे आ गया। बहुत तंग करता है यार फेसबुक, बार बार लॉगिन करो लॉगिन करो लॉगिन करो। वो पोस्ट हाँ नीचे होंगे ना भाई, मसला ये पता नहीं ये क्लिक होंगे अच्छा हो रहे हैं, सही 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 आ रहे, अब गया, अब नहीं देगा, अब ये क्रॉस का बटन भी नहीं दिखा रहा। मैं आपको वो दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो कैरोसेल पोस्ट हम बनाएंगे भी, आपको मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है? तो बस ये आपके ज़हन में होना चाहिए। गॉट द पॉइंट?
इन चीजों को देख के एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिस्काउंट्स आ गए, लास्ट फ्यू सीट या लास्ट फ्यू डेज ऑफ ऑफर, लिमिटेड ऑफर, अवेल ऑफर्ड टुडे के मतलब आज के लिए है, आज का स्पेशल डिस्काउंट है, ओकेजनली जो होते हैं मतलब कोई ओकेजन आ गया, आज़ादी आ गई या इस तरीके से, तो ईद आ गई इस तरीके से, उसके बाद जो फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स डिफरेंट कल्चर्स के, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मो एक अर्जेंसी पैदा कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर आपने नहीं ली, आप इसको मिस कर रहे हैं, आप बहुत जल्द यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है बिग ऑफर्स, अच्छा। अब उसके बाद दो तरीके हैं आपके पास काम करने के, ये आपके ऊपर है। इन सारे पोस्ट का कंटेंट अलग से लिख के तैयार कर दें या वन बाय वन कंटेंट बना के फाइनलाइज कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट एक्सडी को कैसे सेटअप करना है वो जरा सीख लें आप। इन सब कुछ करने के बाद साइट में बनाने के बाद आपको मालूम पड़ गया मेरे कैंपेन में 25 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं, 18 पोस्ट हैं, 15 पोस्ट हैं। ये सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने एक्सडी को सेटअप करना है। कैसे करना है, ब्रांड गाइडलाइन जो मैंने पढ़ाया था आपको, अब बारी आती है ब्रांड गाइडलाइन की। इससे पहले कॉन्टेंट पढ़ाया मैंने, बट आपकी मर्जी है कि कॉन्टेंट पहले प्लान करें या पहले ब्रांड गाइडलाइंस को फाइनलाइज करें, ठीक है। Adobe XD को मैं रिकमेंड करूंगा कैंपेन के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। क्यों, अभी आपको बताऊंगा, बहुत हेल्प होगी आपको। अच्छा भाई, मैं आया इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया, नाउ आई वॉन्ट टू यूज द पर्पल कलर ऑफ ODMI। मैं यहाँ जाता हूँ, ODMI का लोगो निकाल देता हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा। Adobe XD का सबसे बड़ा फायदा है कि आप सारे एसेट्स को, सारे ब्रांड गाइडलाइंस को एसेट्स में या लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, कि बार बार मुझे कलर्स को पिक करना, इससे क्या होगा, जो ब्रांड गाइडलाइन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ी थी वो क्या थी, हाँ, कंसिस्टेंसी, तो वो यहां अच्छे से हो सकता है। क्यों, आप अपने कलर्स को पहले से डाल देंगे, टाइपोग्राफी को पहले से डाल देंगे, H1, H2, H3 को पहले से डाल देंगे, यहां तक के कॉल टू एक्शन को भी डाल सकते हैं, उसको बस रीयूज करें और टेक्स्ट चेंज कर दें, क्लियर है। यहां तक के अपने स्टाइल्स को भी, जो आप एक थीम फॉलो कर रहे हैं उसको भी यहां ऐड कर सकते हैं, क्लियर है, बात क्लियर हुई। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था, क्या करें, सबसे पहले कलर्स को फाइनलाइज करें। आप यहां पे तीन बॉक्स ले लें, बाउंड्री हटाएं, क्योंकि बाउंड्री को अगर क्लिक करेंगे तो अभी ये दो कलर हो गए, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है,
तो बाउंड्री नहीं से अब ये वन कलर हो गया। फिलहाल मैं तीन कलर यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इससे ज्यादा कलर यूज नहीं करना चाह रहा। बट क्या पता, आपको पता है कि आपके ऑफर वाले पॉस्ट के अंदर रेड कलर यूज होगा, ग्रीन यूज होगा पैसे को शो करने के लिए, तो आपको लग रहा है कि दो और उसने तो फिर दो और बना दें। इनको बोलते हैं एक्सेंट कलर्स। ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं, यहां फिल्म में जाता हूं और ये आई ड्रॉपर ले लेता हूं। पहले तो मैं अपना ब्रांडिंग कलर फाइनलाइज कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद इसी का ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट रहेगा। उसके बाद हमने एक रेड लेना है और एक लेना है फिलहाल ग्रीन, डार्क ग्रीन होना चाहिए। ठीक है भाई, सेलेक्ट किया, कलर्स में गए, ऐड कर दिया। अब ये कलर्स आपके लाइब्रेरी में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब इनकी जरूरत आपको नहीं है, इनको डिलीट करते हैं। अब आप पहले इनके आगे कलर कोड के साथ लिख लें कि ये हमारा ब्रांडिंग है, ठीक है। बाकी के तो आप वक्तन फोक्तन यूज करते रहेंगे, क्लियर है, सही। ये हो गया। अब बारी आती है कैरेक्टर की। फिलहाल मैं जो कैरेक्टर यूज करना चाह रहा हूं दैट इज अ पॉपिंस, ठीक है। पॉपिन सीरियस फॉन्ट है और रीडेबल बहुत ज्यादा है। और पॉपिन आप ये समझ लें कि पॉपिन तो रोबोटो था, दोनों को देख लेते हैं। आई थिंक दोनों ही मैंने यहां पे इंस्टॉल किए होंगे। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं। खैर लेट्स देख पॉपिंस, पॉपिन तो ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, मैंने पॉपिन यहां पे रख दिया। अब एक दफा टेस्ट कर लें कि आपका हेडलाइन कितना हो सकता है, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई रॉक टॉक नहीं है, ठीक है। अमूमन होता है क्या कि हेडलाइन अक्सर आपका 70, 80, 64 की तरफ जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ऐड किया 60 और इसको मैंने 80 करके देखा पहले। अच्छा एक और चीज, वहां पे हम फोटोशॉप में क्लिक करके करते थे, बट यहां पे ट्राई करें कि क्लिक ना करें, ड्रैग कर दें इसको। ड्रैग करने का फायदा क्या होगा कि फिर आप इसको यूं करके एडजस्ट कर सकते हैं खुद, क्लियर। तो 80 बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं 70 चेक करता हूं। समटाइम क्या होता है कि हायरार्की को देखने के लिए आपको जो सपोर्टिव लाइंस है पैराग्राफ उनको भी लिखना पड़ता है, तो मैं नीचे लिख देता हूं। ये बोल्ड नहीं होगा और इसको मैं कर देता हूं भाई, तो इट्स लुकिंग गुड।
ठीक है, तो डन हो गया कि हमारे पास जो हमारा जो एच वन होगा मोस्टली वो क्या होगा, पॉपिन का बॉल्ड और 70. अब मुझे बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक किया, कैरेक्टर स्टाइल में आके इसको एड कर दिया यहां पर. और यहां मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया कि ये मेरा हेडलाइन के लिए यूज होगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैं भूल गया, अरे क्लाइंट ने कहा इसको हेडलाइन करो भाई, तो आपने कुछ भी नहीं करना, क्लिक कर देना, सिंपल. ठीक है भाई. अच्छा अब क्या करना है, इसको करना है पैराग्राफ, क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया, पैराग्राफ. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लार्ज, ये हो गया स्मॉल. अब मीडियम के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होंगी लाइक कोई ऑफर, उसके पैसे आ रहे हैं, लाइक मैंने कॉपी किया नीचे, और इसको खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आप जब यहां क्लिक करेंगे ना इसमें, तो वो ऑटो विड्थ कर देगा. क्या कर देगा, ऑटो विड्थ कर देगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी. ठीक है भाई, मैंने यहां पे क्या कर दिया 99 आरएस. तो जाहिर सी बात है ये इतने बड़े तो नहीं होंगे, इनकी औकात इससे ज्यादा की है, बट इससे ज्यादा की औकात इसकी नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, इसको भी टेस्ट आउट करते हैं. पहली बात तो इसको मैं सेमी बॉल्ड करूंगा, ठीक है. उसके बाद ये हमारे पास 40 है, तो इसको मैं, ये 70 है, 50 के दरमियान रख के चेक करूंगा, या 56 करके चेक करूंगा. और अगर आपको इसको चेक करना है अच्छे से, तो आप इस पर क्लिक करें, उसको रन कर दें, तो ये पूरा इस तरीके से खुल जाएगा. आप चेक कर सकते कैसा लग रहा है मेरा पोस्ट, हराकी कैसी लग रही है, प्रॉपर लग रही है या नहीं लग रही. ठीक है, फिर इसको यहां से आप बंद कर सकते हैं. ठीक है, हो गया फाइनलाइज. तो इसको भी आप यहां पे ऐड कर दें और लिखें मीडियम, और पैराग्राफ की जगह आप लिख दें स्मॉल आगे, ताकि आपको याद रहे. इसको मैंने रेड किया, और नहीं रेड नहीं किया, क्रॉस लगाया रेड में. और बॉर्डर को मैंने बढ़ाया, 6 किया. एक मसला है यार इसमें ना, मसला ये कि ना ये लाइन को कलर नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों, ये बड़ा मसला है, ये एक बड़ा मसला है. हालांकि लाइन को भी कलर देना चाहिए था, बट लाइन को मतलब बॉर्डर, बॉर्डर में बॉर्डर कलर यहां से आप पिक नहीं कर सकते भाई, सिर्फ फिल कलर होगा, बॉर्डर के लिए आपको यहां आना पड़ेगा. तो आप इसके कलर को कॉपी करें यहां से, और यहां आ जाएं, यहां पेस्ट करते हैं. पेस्ट करने के बाद यहां पर भी आप कलर सेव कर सकते हैं, कि यहां पर बॉर्डर के लिए बार बार कलर को कॉपी करना ना पड़े. तो सब कलर्स को एक दफा यहां से भी कॉपी करके यहां पेस्ट करके ऐड करना शुरू कर दें. व्हाइट तो पूरा व्हाइट है. ठीक है, अब यहां पर भी आ गए, ताकि बाउंड्री के लिए हमें यूज करना पड़े, तो बार बार उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, मीडियम में जाके क्लिक कर देंगे, तो मीडियम हो जाएगा, कलर चेंज कर देंगे, काम आपका फास्ट होगा. इसलिए मैंने कहा था कैंपेन की प्लानिंग मुश्किल होगी, बनाना आसान होगा. और आपने अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया है, ये दुनिया के टॉप 3 कंपनीज हैं, उनके स्टैटिक कैसे थे, सिंपल. ठीक है, हाँ अगर गेमिंग इंडस्ट्री होती फिर बहुत सीरियस होता है, सीरियस नहीं मतलब बहुत ज्यादा होता है. अब चूंकि एक एजुकेशन इंडस्ट्री हमेशा सीरियस काम करती है, उसको सीरियस की तरफ जाना है,
वो जान बूझ के ऐसे स्टडी गाइड नहीं करेगा, लगे कि यार ये बच्चों का प्ले ग्राउंड का कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, आईटी स्किल्स हैं, ठीक है। तो टोन को देखना पड़ता है, इसीलिए कॉम्पिटेटिव एनालिसिस जरूरी है, आपको पता चले आपका कॉम्पिटिटर्स किस लेवल का काम कर रहा है। अब यकीन करें, अगर रियल में कोई इंडस्ट्री हो और वो बिल्कुल स्टैटिक से भर दे, वो कॉम्पिटिशन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टारगेट ऑडियंस आपकी सीरियस ऑडियंस है। वो बोलेगा ये तो बच्चों का कोई कोर्स होगा, ये तो मैं नहीं करूंगा, इनके कलर्स को देखो इतना स्टैटिक ऐड कर दिया, पिक्चर्स को देखो अजीब पिक्चर्स ऐड कर दिए, तो वो कभी भी नहीं आएगा। सही है, डन है भाई। अब बारी आती है कि भाई कुछ स्टैटिक, कुछ स्टाइल, कुछ थीम को फॉलो भी करना है हमने। क्या करना है? कुछ थीम्स को फॉलो करना है, कुछ स्टाइल्स को फॉलो करना है। वैसे तो ये थीम स्टाइल आपको ब्रांडिंग वाले दे देते हैं, क्योंकि जब लोगो वाला बंदा काम करता है तब इन चीजों को फाइनलाइज करता है, ठीक है। बट हमारे केस में नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा कि भाई हम किस अंदाज में लेके चलने वाले हैं इन चीजों को, या किस लेवल पे, किस स्टाइल पे हम उस फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां मेरे जहन में तीन चार स्टाइल आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे, और यूनिक के साथ साथ स्टैंडर्ड और सीरियस टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, समटाइम मैं अपने रियल युवा यूएस की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक आपके जहन में नहीं आते हैं, समटाइम आप एक रैंडम बनाते हैं ना, रैंडम वो स्टैटिक बन जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए तीन काम आप किया करें, एक तो 5 मिनट का इंस्पायरेशन ले लें डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। फिर उनके इंस्पायरेशन को टेढ़ा मेढ़ा करके चेक करें, समझ रहे, क्या करें, उन्होंने यूं किया तो आप यूं कर दें, यूं कर दें, यूं कर दें, इससे क्या होगा, आपको एक नया डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा, उनके स्टाइल को देके कुछ नया करने की कोशिश करें, इससे क्या होगा, आप कॉपी भी नहीं करेंगे और आपको एक नया आइडिया आ जाएगा कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सही है, अच्छा ये वो है, अच्छा किस चीज को फ्लिप करना है, तो यहां पे फ्लिप करना बहुत आसान है, ठीक है। आप यूं करते तो फ्लिप हो जाएगा, यहां पे हमारे पास चीजें पड़ी हुई हैं, यूं फ्लिप करना, यूं फ्लिप करना है, तो फ्लिप आपके पास इजीली हो जाता है। अभी जब मैं बना रहा हूँ इमेज के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इमेज ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और चूंकि ये हमारा एक सीरियस इंडस्ट्री है तो यहाँ पे सारे सीरियस मॉडल होंगे, उनके कपड़े, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह के नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, ये भी चल जाएगा,
अच्छा एक टास्क दे रहा हूँ आप सबको, आपके लिए बहुत काम आएगा। बीजी रिमूवर के अलावा ऐसी कौन सा एआई टूल है जो क्वालिटी को ना गिराए, ये आपने करना सर्च, जिसको मिले वो ग्रुप में सेंड कर दे, ये आज रात करना है आपने। बीजी रिमूवर बहुत पिक्सल गिराता है, ठीक है, तो आपने ढूंढना है और भी एआई टूल्स हैं, आपको पता है कौन सा है? फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, फोटोशॉप में तो है, मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा कोई एआई टूल ताकि आप जल्दी काम कर सकें, क्योंकि एक्सडी में फिर फोटोशॉप में फिर एक्सडी में मसला हो जाएगा। एडोब एक्सप्रेस अच्छा है, अभी चेक कर लेते हैं। क्वालिटी नहीं गिराता, एडोब का अपना ही है तो बहुत टाइम ले रहा है। हाँ जो भी ये तो अच्छा है, एक मिल गया, अगर और भी मिल जाए तो बता देना। हाँ ये हायर दे रहा है उससे, वैसे अब उसका जरा चेक करते हैं। मैंने इसका सेव नहीं किया ना अब तक इसका, ये तो अटका हुआ है। बहुत फर्क है, एडोब एक्सप्रेस यूज करो भाई आज के बाद, ये तो जमीन आसमान का फर्क दे रहा है भाई, एडोब एक्सप्रेस जिंदाबाद है। अच्छा हुआ इसने बता दिया। हाँ मैं यूज ही नहीं करता, इन सारे काम के लिए मेरी टीम काम करती है। ठीक है भाई, तो मैं इमेज के लिए ये स्टैटिक यूज करना चाह रहा हूं, ताकि यहां पर भी कुछ कंटेंट अगर हम लिख सके तो आ सके, लाइक स्टार्ट फ्रॉम 99 कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाउंड्रीज को अच्छा बाउंड्रीज के लिए क्या करेंगे, यहां पे बहुत सिंपल है, यहां पे जाएं बस ये सिंपल यहां क्लिक कर दें। ठीक है, और भी बाउंड्रीज हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, जो आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। और डैशेस चाहिए, डैशेस वहां पे अलग थे, यहां पे अलग हैं।
बहुत बड़ा है इसलिए वो डैशेज बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको जीरो कर दो, गैप को भी जीरो कर दो। और अगर आपका ये स्टाइल फाइनलाइज्ड है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, कहां जाएंगे, जाके क्लिक करें, कंपोनेंट सेव हो जाएगा। मजे की बात क्या है, यहां देख रहे हैं एक ताज आ गया इसके ऊपर, ये पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। फॉर एग्जांपल पांच पोस्ट हमारे पास बन चुकी हैं और पांचों के अंदर हमने ये यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है, इमेज नहीं है यहाँ पे, इमेज नहीं है और यहाँ भी इमेज नहीं है, हमने वही इसको जो है ना कहीं फिट कर दिया है। मैंने इमेज से लुटाया बट मैं इसी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्लाइंट ने कहा यार इसको, चूंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहां पर भी कलर आ रहा है हमारा ब्रांडिंग कलर, अच्छा एक्सिक्यूट कभी कभी दोहरे पड़ जाते हैं, तो ये जरा माइंड में कर लें, एक्सडी को दोहरे पड़ जाते हैं। जब भी दोहरे पड़े एक्सडी को, इसका दवा ये रहा, ये लिख लें, इसकी पिक्चर ले लें, ये कमांड आपने रन करना है विंडो आर करके, जल्दी इसकी पिक्चर ले लें, विंडो आर करके ये लिख के एंटर कर दें, ओके कर दे, फिर एक मिनट बाद वेट करें। ले ली पिक्चर, अगर दोरा पड़ जाए विंडो आर करें और ये कमांड लिख लें, एक दफा लिखेंगे तो बार बार आएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पिक्चर ले लें, इसकी ले ली पिक्चर, ओके करने के बाद 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद वेट करें, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो नॉर्मल हो गया। अब क्लाइंट ने कहा कि यार हर जगह ये बहुत ज्यादा कलर ग्रैब कर रहे हैं, हमारी अटेंशन चाहिए इंपॉर्टेंट जगहों में, तो इस स्टैटिक जो है ना आपने यूज किया हुआ है, अब 25 पोस्ट बन चुके हैं, 25 पोस्ट बन चुके हैं, तो इसका कंपोनेंट का असल फायदा क्या है, ठीक है। मैं यहां आया, मैंने इसको कर दिया ब्लैक, सब पे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्यों, क्योंकि ये इसका पेरेंट है, बाकी सारे उसके चाइल्ड हैं। अब कॉल टू एक्शन भी आप कंपोनेंट में ऐड कर दें। अब फॉर एग्जांपल आपने पांच पोस्ट बनाई हुई है, सब में सेम कॉल टू एक्शन लिया है, आपके जालिम टीचर ने कहा अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर दो, फिर आप क्या करेंगे, इससे बेहतर यह है कि आप सीटीए बनाएं, सीटी आपने बनाया और कलर ऐड कर दिया, टेक्स्ट ऐड किया, अभी भी इसको होश नहीं आया अभी तक। कभी कभी बार बार इसका होश घूम जाता है, बार बार आप क्या करें, रन कर दें,
आ गया, नहीं आया। और अगर उससे भी काम ना हो तो इसका एक ही हल है कि आप इसको ऑफ ऑन कर दें, बट एक दफा चेंजेस को सेव कर दें, ठीक है? ऑफ ऑन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसकी वजह यह कि हमने इसको चोरी किया है, लिया नहीं है, तो चोरी वाली चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी। ये दो जगह सेव होंगे, मैं बताऊंगा। एक आपके क्लाउड में सेव होगा, क्लाउड ज्यादा बेहतर है। एक आपके लोकल डॉक्यूमेंट में सेव होगा। सेव नहीं करेंगे तो फिर तो खल्ली बल्ली है, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। बता रहा हूं सेव करने के दो तरीके। पहले मैं ये जरा आपको बता दूं, ठीक है? दोनों को ग्रुप किया और कंपोनेंट में ऐड कर दिया, लिख दिया कॉल टू एक्शन। अब मैंने बार बार इसको हर जगह यूज किया हुआ है, यहां भी मैंने यूज किया हुआ है, मैंने आगे भी यूज किया हुआ है इसको, मतलब हर पोस्ट में कहीं ना कहीं इसको मैंने कहीं पे सेंटर अलाइन पे यूज कर दिया, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। और मैंने कहा कि यार इसके जो रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस अच्छे नहीं है, इसको पूरा गोल कर दो। तो आप पेरेंट में जब चेंज करेंगे तो सब में चेंज होगा, ठीक है? डबल क्लिक किया मैंने और इसको पूरा राउंड कर दिया, यहां से सब में राउंड हो गया। ये फायदा है। हाँ, इसमें कंपोनेंट्स बनते हैं बेसिकली, लाइब्रेरी में आप चीजें सेव कर लेते हो। क्लियर है? क्या मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं? प्लीज, हाँ हाँ सेट करूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डन है भाई? क्लियर है? तो ये चीजें आप सारी ऐड कर दें, इसके बाद फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपने चेंजेस करना है, पेरेंट होगा उसको चेंज करना। हाँ, एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कॉल टू एक्शन आपको अलग करने, वो बहुत स्पेशल पोस्ट है, तो उसके लिए आप फिर अलग से बना दें, कोई मसला नहीं है, अलग से बना दें उसको। फिर पेरेंट को यूज ना करें, क्योंकि फिर वो चेंज होगा बाद में, फिर आपको परेशानी होगी। क्लियर है? वीडियोस का कोई फिलहाल काम नहीं है, तो फिर आपने ये इमेजेस भी यहां सेव कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने पहले से फुल प्रोफेशनल काम किया, आपने सारे इमेजरी को भी ऐड कर दिया कि मुझे पता है कहां कहां, तो इमेजेस को भी आप यहां कंपोनेंट में सेव कर सकते हैं और कोर्स के नाम लिख दिए। फॉर एग्जांपल, ये इमेजेस मैंने यूआई यूएक्स के लिए निकाले हैं। फिर आप इसको यूज कर सकते। हाँ, क्योंकि और तो है ही नहीं, आई कहीं एक ही जगह पर। सही है भाई? क्लियर है? ब्रेक लें 5 मिनट का, 10 मिनट का, फिर मैं पोस्ट बनाना शुरू करता हूं। अच्छा भाई, अब जरा काम शुरू करते हैं। अच्छा, जरा अवेयरनेस में देखो क्या क्या पोस्ट थी। इन्फो टाइप,
इन्फोटाइप है और ऑल आईटी कोर्सेज हैं. बस खाना पीना बंद कर दें. ओके अब मैं क्या करता हूँ, बहुत जल्दी रफ स्केचेस बनाता हूँ. पहले जरा आइडिएट करते हैं कि हमने करना क्या है. आप लोगों को शायद स्केचेस का जो प्रोसेस है सिंपल लगता होगा, असल चीज़ स्केच में फाइनलाइज होती है कि व्हाट यू आर डूइंग. मैंने इसको दो पैटर्न में बनाया है, एक एफ पैटर्न में, एक सेंटर पैटर्न में. ठीक है, एफ पैटर्न में जो चीज़ मुझे मिल रही है वो उसमें नहीं मिल रही, और एफ पैटर्न में मुझे वो चीज़ चाहिए. मैं बिलोंगिंग भी दिखा रहा हूँ और मैं 99 को फोकस कर सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है, और इसमें अच्छे से मैं सोशल प्रूफ भी ऐड कर सकता हूँ और इमेजरी को भी अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ. ठीक है, और जो मेरा थीम मैंने बनाया, जो शेप बनाया है, उसको भी मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्केचेस को जल्दी जल्दी बनाना है. अब ये नहीं कि एक स्केच में दो घंटे लग रहे हैं, बस 3-4 वर्जन बना के देख लिए किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको पिक करके कॉन्टेंट पर काम करना शुरू करता है. ठीक है, अब मैं चलता हूं कंटेंट में चैट जीपीटी के पास. मैं यहां पे इसको बोलता हूं, आई एम वर्किंग ऑन अ पोस्ट विच इज
type of a awareness post. देखने awareness post and this is an industry where they teach online courses in low prices like starting from 99 Pakistani rupees. And Pakistani rupees. I want a headline for this, which should be directed, which should attract the learners, and it should be catchy and also easy English, and it should grab attention in 3 seconds. As we all know, the attention span of users and customers. And it should be short but also leave complete impact, context and understanding. Also give me the reasons that which one will play vital role. Give me just three headlines. इस तरीके से आपने इसको बताना होता है कि ये क्या हो रहा है. देखिए इसने बहुत खूबसूरत अंदाज में चीजें दे दी. ये देखें, अनलॉक न्यू स्किल्स फॉर जस्ट 99 PKR. ठीक है, लर्न एनीथिंग ऑनलाइन फॉर ओनली 99 PKR. ये अच्छा है. मास्टर न्यू स्किल्स स्टार्टिंग एट 1990. ठीक है, ये वाला अच्छा है, बट इसमें मैं इसको बोलूंगा दिस वन इज गुड, बट वी आर only offering IT courses, so mention IT word also. I also liked the word of anything, so also adjust that. जो बोल रहे करेगा बेचारा. हाँ, अब आया ना वोट पहाड़ के नीचे. सही है, तो आपको जो चीज इससे करवानी है, आप उसको उसने क्या किया, यहां पे एनीथिंग हटा दिया, बट एनीथिंग बड़ा अच्छा लग रहा था. मैंने कहा आल्सो लाइक द वर्ड एनीथिंग, सो आल्सो एडजस्ट दैट. क्या कर दिया इसने, लर्न एनीथिंग इन आईटी ऑनलाइन फॉर ओनली 99 PKR. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. Okay, great. Now, I also want to give, I also want to write a line that should support my headline.
along social proof. Our social proof is that क्या बोले trusted by 10,000 students so far. Both should be in two lines or maybe shorter. Support to headline and social proof. Okay. Can you make it a little bit long? मैंने क्यों इसको लॉन्ग किया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बिल्ड दिया इसके. अब ये देखें, ज्वाइन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वो ट्रस्ट अस टू एडवांस देयर स्किल्स एंड करियर्स. इजी वर्डिंग है, टू द पॉइंट है, ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे, मुझे यकीन है उनके पोस्ट से, बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो चैट जीपीटी को इस तरह यूज नहीं करते. कितने ऐसे हैं जो इस तरह यूज करते हैं चैट जीपीटी को? गुड. जो नहीं करते हैं, प्लीज इस तरह डिटेल से यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट वो देगा, ठीक है. अब मुझे क्या करना है भाई, अब मेरे पास मेरा स्केच फाइनलाइज्ड है, ठीक है. मुझे अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है. सिंपल यहां पे आया, मैंने हेडलाइन यहां पे ऐड किया, और हेडलाइन के अंदर मैंने एक अदद इजाफा किया. इजाफा ये किया कि यहां पे मैंने इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं. कलर दे दिया और बाउंड्री हटा दी. अब क्या होगा, ये सिर्फ व्हाइट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, एक और चीज, जब कोई चीज आपके टेक्स्ट के नीचे है उसके लिए आप कंट्रोल दबाएंगे ना, कंट्रोल, तो वो बैकग्राउंड वाले को क्लिक कर देगा. कंट्रोल दबाए क्लिक करेंगे तो वो नीचे वाले को क्लिक कर देगा. और इसके बाउंड्रीज को मैं थोड़ा सा 3 कर देता हूं या 5, 7. सारा अटेंशन कहां जा रहा है मंजन, सही है. अच्छा, आप क्या करेंगे यहां से, अच्छा इसका जो रूलर है वो यहां साइड से आता है, ठीक है. मैंने पहले बताया, फिर भी बता रहा हूं आपको. अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहां पे आते हैं. इसको मैंने बॉइल कर दिया बस. और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी अटेंशन जाए तो फिर आप इसको भी अपना ब्रांडिंग कलर दे सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है. अब आ रही है पिक्चर की. कुछ बच्चे पिक्चर को बहुत छोटा करते हैं, पिक्चर ही तो असल चीज है. पिक्चर
पिक्चर आपके आवाम को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और देखिए जब जब तक ये पिक्चर नहीं था तो ऐसा पता नहीं अजीब सा कुछ चीज बन रही थी, सही है। इसको थोड़ा सा हमें वो करना था बट चलो, एक और चीज। अब अक्सर हम नीचे वेबसाइट डालते थे, अब आप बड़े हो गए हैं, ये एड्स के लिए जाते हैं, कहां जाते हैं, वहां नीचे लिंक्स दिए जाते हैं। बट अगर आपके क्लाइंट ने कहा नहीं यार फिर भी हमारे लिंक्स एटलीस्ट आने चाहिए, तो फिर आप दे दें, वरना नहीं भी देंगे तो वो क्लिकेबल होते हैं एड्स, क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में चला जाएगा। बट इन केस वो कह रहा है कि नहीं यार जरूरी है यार प्लीज दे दो, तो फिर आप क्या करें, दे दें, क्या करें, दे दें, ठीक है भाई। अच्छा एक अदद मैं लोगों को बना देता हूं जल्दी सा, पढ़ो लिखो है ना, पढ़ो लिखो, जल्दी से लोगो बना रहा हूं, जहन में आइडियाज आ रहे हैं, ओडी माइक का आइडिया चोरी कर लेते हैं, मैं यहां आता हूं और अच्छा आपके बाद आपने क्या करना है, एसवीजी आइकन यूज करने, क्या करने, SVG icons, कॉपी भी कर सकते हैं, यहां आएंगे पेस्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, चोरी कर दिया आइडिया। लोगों दिखाने के लिए एक और काम करता हूं, हाँ मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अब सही हो गया। ये हमारे पास हो गया पहली चीज, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज सेम अंदाज में बने,
अब यहाँ पे आपका क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। अक्सर बच्चे सेम बनाना शुरू करते हैं, आप एनी टाइम इंस्पायरेशन ले सकते हैं, जाएं एड क्रिएटिव में जाएं, अगेन देखें और क्या तरीका है, हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार सेम नहीं बनाना चाहता, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता। आपके जहन में आइडियाज नहीं आ रहे, इट्स ओके, जाएं एड क्रिएटिव में जाएं, वॉच देम एंड डू देम, ठीक है। और इसके लिए भी मुझे एक आइडिया आ रहा है कि अगर हम इसको गैप दे दें, कितना गैप दिया था उस टाइम मैंने, असल में इसका ना वो बहुत बड़ा किया है हमने, ये ऊपर छुए कॉन्सर्ट तो नहीं कर रहे हैं। यार इसमें बहुत थिक कर दिया अपने इसको, चलो वैसे ही सही है, अगर थिक ना होता ना तो वो इस तरह ना एक डॉटेड अच्छा लगता, बट वी कैन इंक्रीज इट, थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। मैं कर देता हूं इसको, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद क्या था, अच्छा इसको डुप्लीकेट करने के लिए आगे ना कंट्रोल डी सिंपल, देखो बताएं क्या था, अवेयरनेस में कुछ जल्दी बताएं क्विक, वाई पढ़ो लिखो, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इस पे आए थोड़ा सा, मैं बैंड स्टॉर्म करते हैं,
लेवल थोड़ा सा एडवांस है तो इमेजरी पे आपको बहुत काम करना है, और इस तरह की इमेजरी आप पहली बार देख रहे हैं आपकी क्लास में। देखिए, ये आपको लग रहा है बहुत अजीब है, बट ये करोड़ों का आइडिया है, पता करो। देखिए, पहली बात है कि वाई है पढ़ोलिखो.com। सवाल है, कंटेंट कौन देगा चैट जीपीटी, उसको बोल जाओ फिलहाल। बेनिफिट्स होंगे, मैंने कहा कम से कम 4-5 की बेनिफिट, सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है वरना लोड पड़ जाएगा। कॉल टू एक्शन सिंपल होगा। सबसे बड़ा जो इस पोस्ट में जो मुझे अलग करेगा, मेरी इमेजरी है। क्या है? मेरी इमेजरी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इमेजरी के अंदर मैं 3 चीजें यहां फोकस करूंगा आइकन्स के तौर पर। मैंने कहा एक तो पेमेंट, ठीक है, पेमेंट कम होगी, ठीक है, पेस अपने स्पीड पे आप काम कर सकते हो, अपने स्पीड पे कोर्स को दे सकते हो, पेस बिन स्पीड। थर्ड, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फ्री, ठीक है, मतलब उसके कोई चार्जेस नहीं है। फिर मैंने कहा कि इनको प्लेस कहां करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि इमेजरी में पर्सन होगा लैपटॉप के साथ खुश होगा, तो मुझे आइडिया आया कि बंदा ऐसे खड़ा होगा या तो बैठा हुआ होगा, अभी बैठने वाले पिक्चर भी हमारे पास आ गए थे। उसके ऊपर ये 3 आइकन दिखेंगे, ठीक है, और इनको व्यू में लिंक कर दूंगा, और ये जो है ना, ये हमारे सोशल प्रूफ हूं, क्योंकि अभी हमारे पास सोशल प्रूफ ऐड करने की जगह नहीं है। कैसे ऐड करेंगे आपको बताता हूं, और इमेजरी पे आपको मेहनत करनी है भाई, इमेजरी ऐसे नहीं मिलेगी। और मुझे अभी कैंपेन में ये टिपिकल इमेजरी मिली ना, कैंसल, फिर से जाओ बनाओ, ठीक है। पहली बात, हम जाएंगे एक लैपटॉप पर्सन उठाते हैं, जो हैप्पी हो, ये अच्छा है बट पेड है, ये पता नहीं कहां देख रही है। ये भी सही है, किसकी आवाज है ये? ऊपर पक्का छुआ जाए ना। अच्छा भाई, तो पहले बात तो इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएं, क्यों? क्योंकि हमारे पहले से चीजें पड़ी हुई हैं वहां पर। अच्छा, फर्स्ट थिंग, फिलहाल अभी मैं इस पोस्ट में कंटेंट मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, फिलहाल मैं बस सिंपली जो कंटेंट है वो लिख रहा हूं, बाकी आप लोग खुद देखेंगे। मैंने यहां पर ऐड किया व्हाई यू शुड, व्हाई यू शुड लर्न फ्रॉम पढ़ोलिखो.com। रीड कर दे, मैंने यहां पे ऐड कर दिया अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है ना, इसको ह्यूमन लैंग्वेज वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन, ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं। बेनिफिट इज अ रोबोटिक वर्ड। मैंने क्या कर दिया, एक एक्शन दे दिया, रीड अवर रिमार्केबल बेनिफिट्स, ठीक है। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे तो ऐसे बड़े हो चुके हैं, तो बड़े वाले काम करेंगे। और अभी हमने एक नई चीज ऐड नहीं की यहां पे, ये उससे भी ज्यादा स्मॉल है, तो क्या करेंगे,
इसको मनी स्मॉल करें, फॉर एग्जांपल 36 कर दें या 32 कर दें, ठीक है, और इसको भी यहां ऐड कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम और कोई स्मॉल चीज हो तो बार बार वो करने की जरूरत ना पड़े। और आप इसके अंदर भी छोटा सा बना वो ऐड कर सकते हैं हरार की, इसको बॉइल कर सकते हैं। अब ये फैसले ना आप खुद शुरू करें कि कहां कहां आपको हरार की शो करवानी है, क्या चीज आपके लिए जरूरी है। फिलहाल आसान, मैं जब तक आसान तक इसके सारे वो नीचे ऐड कर देता हूं। बहुत छोटा लगा क्योंकि मुझे एटलीस्ट इससे बड़ा है करने सारे चीजों को, तो ये आकर अभी भी छोटा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपना जरा बेनिफिट्स बता जो मैंने बताए थे। स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास कितनी, 1990 रुपी, मतलब पहला चीज है हमारे पास जो हम मंजन बेच रहे हैं कब से। और इसको मैंने करना है, नहीं मीडियम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये करना है, ठीक है। तो इसके लिहाज से आइकन बहुत छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इन दोनों को बिल्कुल सेंटर कर देंगे। सेंटर कहां से होगा, यहां से होगा। और स्पेस कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेस दें प्लीज, एटलीस्ट इतना स्पेस दें कि 8 या 20 तरीके से 20 बन जाए, ठीक है। ये यार और छोटा होगा। समटाइम आपको क्या लगता है कि जब तक आप दूसरा कंटेंट मैच नहीं करते आपको हायरार्की का पता नहीं चलता, तो आपने कंटेंट लगा के फिर हायरार्की को सेट करना है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा ना इनको, कॉपी करूंगा मैरिन, कैसे कॉपी करूंगा इनको, चार और लिखना है। हाँ वेरी गुड, आप लोग को जाना है यार, जरूरी है थोड़ा सा, आपको सिर्फ जाना है, एक बैठे ताकि वो दूसरे को गाइड कर सके। अगर दोनों को जाना जाओ, नमाज का है तो देख लें, इट्स ओके, अल्लाह पाक आसानी करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉपी किया, ग्रुप किया और रिपीट ग्रेड किया। भाई अब तो हमारे पास ऑप्शन हैं, और स्पेसिंग को भी खुद ट्राई किया, इनको क्लॉज इतना के 12 कर दिया बस, ठीक है भाई। बस ये चेक करें कि ये एंड में ना कटे। अब क्या करेंगे, अनग्रुप कर देंगे और इसके अंदर अपनी चीजों को ऐड कर देंगे। सेल्फ पेस मीन अपने स्पीड में पढ़ें। अभी इनको मैं और भी छोटा कर सकता हूं बट मेरे पास टाइम नहीं है, फिलहाल मैं लिख रहा हूं, तो अपनी स्पीड में पढ़ें। नो कन्वेंस इशू, फ्री इंडस्ट्री सर्टिफिकेट, जल्दी बताएं लास्ट वाला कोई सा भी एक। हाँ टीचर्स या इंस्ट्रक्टर जो भी आपको सही लगे, ठीक है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारे इमेज के लिए जगह नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इसीलिए इनको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, आपने खुद इनको शॉर्ट करना है, ठीक है। और देखिए सम टाइम क्या होता है, पूरा काम करके आपको अंदाजा होता है कि ये हायरार्की मेरा सही फैसला नहीं था और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चे यहां पे आलसापन दिखाते हैं,
अरे छोड़ अब नेक्स्ट टाइम करेंगे. नो यू हैव टू बी परफेक्ट. गलती की उसको सुधारें, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे सुधार रहा हूँ. मैं क्या करूँगा भाई, सबको पहले अनग्रुप करूँगा अगेन. और सबको पकड़ के इनको मजीद छोटा कर दूंगा. लाइक 40 है तो मैं इसको 30 करके चेक करता हूँ. 28 कर देते हैं. अब क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा क्योंकि अभी हम मजबूर हैं. वी हैव टू डू इट. एक दफा सबको चेक करें कि अलाइन है या नहीं प्रॉपर. अलाइन है, इनको चेक करें अलाइन है, इनको चेक करें अलाइन है, इनको चेक करें अलाइन है. अलाइनमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. ये आपके पोस्ट को डिसाइड करती है कि ये चीप है या स्टैंडर्ड है. अब इन सबके बीच का स्पेस चेक करना, सबको ग्रुप कर दें, 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 ठीक है. सबको करें सेलेक्ट. और ये आपके पास है हॉरिजॉन्टली और ये आपके पास है वर्टिकली. तो हमने क्या करना है, वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है? वर्टिकली करना है. तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. तो वर्टिकली करेंगे तो प्रॉपर ये सबके बीच में सेम स्पेस दे देगा. बट आपको लग रहा है कि स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप क्या करें, इन सबको ऐसा क्लोज क्लोज कर दें. और अगेन बिल्कुल अंधों की तरह वो खुद ही स्पेस दे देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. अंधा बने पूरा, बिलीव इन मशीन, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, ये और छोटा हो जाएगा हमारे पास. और यहां पे थोड़ा सा आर्की अप्लाई करते हैं. Now it's good. ठीक है भाई. हाँ भाई, इमेजरी कहाँ है हमारी? इस इमेज में सबसे बड़ा मसला क्या है, लैपटॉप बहुत ज्यादा, मतलब पिक्चर की अगर वो थोड़ा मतलब लेंस ज्यादा होता ना इस लड़की की तो ज्यादा अच्छा होता. अब हो क्या सकता है कि इसको बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा इमेज को, ताकि कंटेंट हमारे पास आ जाए, यहां जो कंटेंट हम लगाने वाले थे, ठीक है. तो सम टाइम आपकी इमेजरी भी गलत फैसला होती है, यू हैव टू चेंज इट. इस दफा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू वर्क मोर हार्डर, ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है, अब देखिए अगेन यू हैव अ क्रिएटिव ब्लॉक हियर, जो मेरे जहन में है कि कर तो दिया फाइनलाइज, बट हाउ आई कैन मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग. मैं इसको और अच्छा कैसे दिखा सकता हूं, मैं उस उन सर्कल को और अच्छा कैसे दिखा सकता हूं, ठीक है. तो यहां पे आपको थोड़ा सा और थिंक करना होगा, थोड़ा सा और सोचना होगा. या आप क्या करें, इमेजरी को पूरा अलग करके यहां पहले काम करें, फिर उसको वहां लेके जाएं. इमेजरी इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है. मैंने कहा ना कैंपेन में हम और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे. इमेजरी इज एवरीथिंग. वो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रही हो आपके साथ, विजुअल स्टोरी टेलिंग की मतलब एक लड़की है खुश है, क्यों? यू हैव टू शो व्हाई शी इज हैप्पी. यू हैव टू वॉच, यू हैव टू प्रेस इट, यू हैव टू सी, मतलब किस तरीके से इसको मैं दिखाऊं कि वो हैप्पी है, व्हाई, उस पे आपने काम करना है, ठीक है. अच्छा, पहली बात तो ये कि हम यहां पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे डॉलर, क्योंकि हमें एक निशान चाहिए डॉलर का. चलो पिक दिस वन, कॉपी किया मैं यहां है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ये हो गया हमारे पास पेमेंट का. और क्या था, टाइम अपने स्पेस में पड़े. I like this one, but ये
फ्री नहीं है। अब लग रहा है अमीर होना पड़ेगा यार, हर कोई पैसे मांग रहा है। ये भी अच्छा था बट ये लो, चलो मिल गया। अब इतना चुन्ना सा ही है तो अब देखे मजा नहीं आ रहा। क्यों? ये थिक है वो थिन है, ये भी आपने देखना है, मैं इसकी भी गलतियां निकालूंगा ठीक है, बट फिलहाल मजबूरी है, वी आर यूजिंग इट, टाइम नहीं है। और क्या था तीसरा? सर्टिफिकेट के लिए तो कोई बस एक वो आ जाए पर्चा, उसमें कुछ चीजें लिखा हो इस तरीके से, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, जो भी आपको मिल रहा है। अरे यार ये बहुत अच्छा था, चलो टेक दिस वन। लो भाई ये भी बहुत छुनना है, देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा, तो चलो मैं देख लेता हूँ फिर से टाइम में कोई ठीक मिल जाए। अरे भाई है ही नहीं यार, चलो पिक दिस वन। सही, बेहतर है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ सम सर्कल्स। आपने इनके बीच का भी स्पेस देखना है। और ये कैसे चेक करेंगे? आसान तरीका इसका ये है कि आप एक शेप लें यहां से और एक शेप ड्रॉ करें इसके बालों तक, बिल्कुल आखिरी हिस्सा बालों का, और इस शेप को यहां तक लेके आए। क्यों? क्योंकि ये पूरी इमेज है तो हमें वो स्पेस नहीं बताएगा, इसी को यहां लेके जाए, यहां रखें, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा बट एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं हद तक क्लोज आ जाएंगे। और इसी को आप 90 डिग्री में लेके आए और यहां से भी इसको, और सम टाइम आपका फैसला गलत होता है, बहुत दूर और है तो क्या करना पड़ेगा? अगेन क्लोज करने पड़ेंगे। सारे मुझे देख रहे हैं कि सर आप कर क्या रहे हैं। बेटा ऐसे ही होता है, हाँ कंट्रोल ली। ठीक है भाई, अब आइकन को यहां रख देते हैं। आइकन भी सारे सेम साइज के होने चाहिए, ये भी जरा माइंड में कर दें। क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? जब घी सीधे हाथ से ना लेंगे तो उल्टे हाथ से निकालना पड़ता है।
अच्छा भी, अब इनमें थोड़ा सा हमने कलर्स के हवाले से देखना है कि विच कलर्स आर सूटिंग हियर। ये बहुत पंगे ले रहा है यार ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्रुप है ना, सही है। अब देखो बीबी, थोड़ा सा फर्क आ गया है। प्रॉपर सेंटर में होना चाहिए। अच्छा वहां से हट गया, आ जाएगा, आ जाएगा, जाएगा कहां। असल में मैं माउस को पहले लीव कर रहा था। अच्छा जी, सबको ग्रुप कर दें। अच्छा, ग्रुपिंग ग्रुपिंग को अपने काम का हिस्सा बनाएं, इट्स रियली हेल्प यू। हाँ मैंने कहा वो, मैं आपका भी चेक करूँगा। को जरा मैंने कहा मैं जल्दी में बना रहा हूँ, लाइन का डिफरेंस आ रहा है, नो। अच्छा, अब आपने चेक करने कि हमारा जो वो आलमी एक निशानी है वो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, उसको आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेना है। हाँ देखिए, ये नेवर, देखें, योर माइंड इज नॉट रोबोट। आपने जो फैसला लेना है वो चेक करके रख के लेना है। नहीं होगा डिलीट, जस्ट वन क्लिक डिलीट, ठीक है। बट बच्चे यही गलती करते हैं, सर नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, ट्राई किया नहीं, ट्राई तो नहीं किया, यू हैव टू ट्राई इट, ट्राई करें उसको। अयो बोलेगी नहीं नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है नहीं लग रहा है तो जस्ट डिलीट इट, इट्स ओके, नो नो वरीज, बट एटलीस्ट यू हैव टू चेक इट।
इवन तो मेरे पास एक और आइडिया आ रहा है, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, वेट। मुझे पता है आप लोग को जाना है, बट थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक अदद वो लगाया, इसको ड्रॉप शैडो दे दिया थोड़ा सा, और इसके अंदर मैंने, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा चेक, ओह माशाल्लाह। हैं ये कैसे सवाल है, क्या हो गया है, किस तरह का सवाल कर रही हो तुम, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, अच्छा नहीं लग रहा, आई कैन डिलीट इट, क्लियर है, यू हैव टू टेस्ट इट। अच्छा अब सर, हाँ तो आप हटा दो, आप बाद में आके हटा देना। अच्छा एक और चीज सर, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस का फायदा कहाँ हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, ये सारे एक्सप्रेशन मैंने देखे हैं अपने पूरे लाइफ में, ठीक है। एक और फायदा जो कि मैंने देखा है, सारे लोग यूज कर रहे हैं, सर जूम कर, हाँ इसको तो सेट कर दो, सबर इसमें, इसमें नहीं एडिट किया ना, इसमें बेनिफिट आ रहे ना इसमें, हाँ इनको आप चेंज कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो फिर आप इनको भी सेम रख दें, सेलेक्ट करें और क्या करें कि दो वजन बना दें और इसमें से इनको डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है, और इनमें से क्या कर दें, इन सबको अगेन ब्लैक कर दें और एक और वजन बना दें, एक और चीज ट्राई करें यहां पे, फिर इसको ऑन कर दें और एरो से आगे जाएं एंड वॉच विच वन इज बेटर, कौन सा अच्छा है, पूरा ओवरऑल बताएं, इसको भी देखें उसको भी देखें, क्या हाँ ये भी हो सकता है, एक और वजह बना लें, कोई मसले की बात नहीं है, आइडिया अच्छा है, एक और भी बना लें, इनको वाइड कर दें, इनको इस तरह कर दें, सो यू कैन मेक एज मच एज यू वांट टू ट्राई आउट, ठीक है भाई, क्लियर है, अब बस 15 मिनट और, कोर्स कोर्स एक बनाता हूं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का, आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे को अपने एनालिसिस किया कल घर पे किया नहीं, कि मैंने अच्छे तरीके से किया, तो मिस्टिका एक कैंपेन चलाता है जो मैं खुद बहुत उससे अट्रैक्ट होता हूं, वो है फुल इमेज यूज करते हैं वो लोग और बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं, मैं क्या करता हूं पहली बात तो इन सबको यहां से खल्ली वल्ली करता हूं, और वो कैंपेन हमने अपने
पिछले साल एड में चलाए थे, बहुत अच्छे चले थे वो। उसकी वजह ये, इसमें इमेजरी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, या तो पिक्सल में, क्यों? क्योंकि मुझे आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, मुझे पूरी पिक्चर चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग की या यूआई यूएक्स की। इमेज भी ऐसे होता है जिसमें कुछ दिखे कि वाकई कुछ हो रहा है, काम कर रहा है वो मॉडल। ये अच्छा है, डाउनलोड कर दो। और पोर्ट्रेट ना होता है, अगर आपको पोर्ट्रेट में लगाना है तो पोर्ट्रेट कर दे, वरना लैंडस्केप होता है जो आपके काम की चीज है। चलो इसी को फिलहाल यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, कोर्सेस की बारी आ गई कि कोर्स हमने सेल करना है। अब इसमें डायरेक्टली हमने बातचीत करनी है कि भाई लर्न दिस, ये सीखें, ये सीखें, ये सीखें, इसका मैजिक सीखें, इसका मैजिक सीखें। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं हायरार्की। मैंने ऊपर वाले को थोड़ा छोटा कर दिया, और इसको एंटर दबाया। अब इसमें दो तरीके, या तो मैं इसको पूरा लाइन दे दूं एक पीछे, या इसको मैं सिंपल कर दूं। बट अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, लाइन वाला जो हमेशा टेक्स्ट होता है उस पर ज्यादा फोकस जाता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन दे देता हूं यहां पे। अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। सारा गेम स्पेस का यहां पे, ठीक है, स्पेस को ना भूलें। सेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, बस पिक्चर उठाएं, यहां जाएं और इसमें पेस्ट कर दें। और अगर पिक्चर को आपने आगे पीछे करना तो एंटर दबा दें। क्या करें, एंटर दबाएंगे तो पिक्चर आगे पीछे हो सकता है।
आपका जो CTA यूज होगा ये वाला यूज नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा और अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ, नया CTA बनाता हूँ। और इसके जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा राउंड नहीं होंगे बल्कि 10 या 7। और यहां पे आप थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज को आप 2 कर दें और फिल को हटा के सिर्फ बाउंड्री दे दें, 4 कर दें। बिल्कुल सेंटर में कर दें इसको। ठीक है, और यहां पे हमारा जो स्टैटिक है उसकी कोई जगह नहीं है, वी कांट यूज इट। हाँ मतलब है, तो मैंने कहा कलर चेंज किया, तो यहां पे क्या मैं क्या, तो मैंने यहां पे राउंड कर दिया ना। हाँ तो अजीब लगे ना ये, देखो ना। नहीं 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 कर सकते आप, इस तरह अजीब लगेगा देखो। हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने कलर्स तो चेंज नहीं किया ना, CTA के स्टाइल को चेंज किया। हाँ कर सकते हैं आप। और देखें हर एक केस अलग होता है, ठीक है। आप पाकिस्तान में जिस तरह रह रहे थे अमेरिका में नहीं रह सकते, तो वहां पे अलग कंडीशन थी, यहां पे अलग कंडीशन। क्लियर है, तो इसको जरा पहचान है इन चीजों को। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, सिंपल, आपके पास जितने भी कोर्सेज हैं बस नाम चेंज होगा, सीधा चेंज होगा, पिक्चर चेंज होगी ना, कोडिंग का अलग होगा, डेटा एनालिसिस का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। और पिक्चर को आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे एक शेप रखना पड़ेगा। और अगर आप उसको ब्रांडिंग कलर का करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको बाहर निकालें, इसी के ऊपर एक शेप बनाएं, इसको यहां रख दें और इसको ब्रांडिंग कलर कर दें और इसको इसके ऊपर रखें। अब अगर इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ब्रांडिंग कलर में हो जाएगा। पीछे जो कलर होगा ओपेसिटी कम करेंगे, डार्क होगा तो डार्क होगा, तो बेहतर है कि आप ब्रांडिंग कलर कर दो। अब आप मुझे खुद बताएं, इसमें ज्यादा लोग क्लिक करेंगे या मैं जमघट्टा लगा दूं पूरा, जिसको पढ़ना होगा ना वो यहां पे जरूर क्लिक करेगा। और ये चीज हमें कहां से मालूम पड़ी, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, वन मैन आर्मी। क्लियर, वन मैन आर्मी। इसकी एक वीडियो बना लो वाला, मैं जो अभी स्क्रॉल कर रहा हूं ना, इसकी वीडियो बना लो और फिर उसके बाद ना जल्दी से बिरोल ले लो, ताकि एक रील बन जाए आज ना, कैंपेन का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी बनाओ, इसकी आगे से आओ यहां पे, तो सब शॉर्ट भी होना चाहिए ना, पूरा है पूरा, मुझे बाद में, मुझे बाद में, अरे इसकी पहले बनाओ ताकि इनको असाइनमेंट भी दे सके ना भाई हम लोग। कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं।
अब आयन भी भले सही भेजा ना, मजा कहते कम्मो मुझे बोलना एक्शन में फिर अब बस सिंपल वीडियो बना दो, एक रील बना दो, ठीक है भाई समझ आया। अब जरूरी नहीं है कि फूड का आप इस तरह बना रहे हो, उसका अलग अंदाज होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, उनके एड्स को देखेंगे, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक इंडस्ट्री का अलग फील होता है, उसकी अलग सीरियसनेस होती है, उसका अलग चार्म होता है, क्लियर है। अब ग्रुप वाइज कैंपेन बनाने हैं या इंडिविजुअल बनाने हैं, ग्रुप वाइज कैंपेन बनाने हैं तो फिर रियल इंडस्ट्री के लिए काम करना पड़ेगा, आपको खुद एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसका बिजनेस ऑनलाइन हो, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपके पड़ोस में नहीं, आसपास नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा किसी के पास, उनको ईमेल करना पड़ेगा, उनको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इस काम में ज्यादा मजा है, रिसर्च है, बातचीत है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दो मिनट दे रहा हूं सोच के फिर बताएं। इससे ये फायदा होगा कि वो बंदा अपलोड करेगा आपके काम को, उसको फायदा भी होगा और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको रियल रिसर्च का मौका मिलेगा। तो कश्चर अंदर ना कशन है नहीं, फिलहाल तो सया और ये पिक्चर्स मैं ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगा, समरा ये मैंने यहाँ पे कर दिए डाउनलोड, ये ग्रुप में सेंड कर देना सब, बाकी सारे वो रिपीटेड है ना सारे। लोगो है ना, ना बस सही है, ओ यार तोफला साउंड चाहिए।